मेरा नाम मगन सिंह पंवार है। मैं वर्तमान में ग्राम पंचायत जामकोटा सचिव हूँ। मैं ग्राम पंचायत जामकोटा में 6/1/2012 में पोस्टिंग हुई है। यहाँ पे मैं जब से आया हूँ तब से अभी एक स्टाफ डैम क्षमता विस्तारीकरण का कार्य प्रारंभ किया, 3 नाला गहरीकरण एवं चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ किया और 35 सोता गड्ढे का कार्य किया है और अभी पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 100 मीटर सीमेंट कंक्रीट का रोड प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उसका जो जमीनी बेस लेवल का काम है उसे प्रारंभ किया जा रहा है, चालू हो चुका है और अभी प्राथमिक शाला आंगनवाड़ी भवन के सामने और यहाँ मंदिर प्रांगण जो सार्वजनिक स्थल है इनमें काफ़ी उबड़ खाबड़ जमीन है, इन्हें समतलीकरण में इनकी TS बना ली गई है, प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई है, ये भी कार्य मतलब चालू कर दिया गया है। और अभी नवीन माध्यमिक शाला भवन प्राप्त हुआ है जिसका कार्य भी प्रगति पर है। पूर्व में यहाँ पर कपिलधारा कुओं का भी कार्य किया गया है। समग्र स्वच्छता अभियान के अंतर्गत यहाँ लगभग 70% मतलब यानी कि हितग्राहियों को शौचालय हितग्राहियों के यहाँ शौचालय निर्मित की गई है। जो हितग्राही रहते हैं अपने अच्छे मतलब रहने के लायक अच्छा घर बनाते हैं और अभी बहुत अच्छे मकान यहाँ पे बनाए गए हैं। द्वारा जितनी भी योजनाएं संचालित की गई है उन योजनाओं को हम गाँव के गरीब तबके तक मतलब पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं और सभी हितग्राही पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करते हैं। वहां से चल के जो आंगनवाड़ी केंद्र के द्वारा लाड़ी लक्ष्मी योजना, जननी सुरक्षा योजना, इन योजनाओं के ऊपर भी हम समय समय पे इन लोगों की मीटिंग आयोजित करते हैं और उनसे कार्य अच्छे रूप से करवाने की कोशिश पूरी करते हैं। हमारे यहाँ इस पंचायत में 133 हितग्राही हैं पेंशनधारी, उनको भी मोबाइल पेंशन के द्वारा यहीं पर पंचायत में पेंशन वितरण का कार्य किया जाता है। अभी हमारे विशेष अभियान के रूप में पेंशन अभियान सर्वे चल रहा है जिसमें इस पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी हितग्राही ऐसा पात्र हितग्राही ना छूटे उसका सर्वे किया जा रहा है, उनका आवेदन स्वीकृत कर और अतिशीघ्र उन्हें पेंशन स्वीकृत की जाएगी। वहाँ से चल के अभी सह निर्माण कर्मकार मंडल का योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के कार्ड भी बनाए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना के भी कार्ड बनाए जा रहे हैं, इनमें जो पात्र हितग्राही हैं उन्हें लाभान्वित भी किया जा रहा है। राष्ट्रीय परिवार सुरक्षा योजना के अंतर्गत भी यहाँ मेरे आने के पश्चात मतलब करीब 3 हितग्राहियों को लाभ दे चुके हैं और समय समय पे हर योजनाओं पे कार्य किया जा रहा है। मेरा नाम रमेश कुमार मालवीय है। मैं नवंबर 2011 से रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत रोजगार सहायक के पद पर मेरी नियुक्ति हुई है। मैं समय समय पर यहाँ मजदूरों को रोजगार मिलता रहता है और जो MIS का काम है वो पूरा समय पर करवाता हूँ, जनपद जाकर मस्टर वगैरह मजदूरों का देखना और जनपद में MIS डाटा एंट्री करवाना ये सब देखता हूँ। मैं NRDF के अंतर्गत चल रही हर योजनाओं का हितग्राहियों को जानकारी देता हूँ और प्रतिदिन पंचायत समय से खुलता है, पंचायत में वाचनालय, खेल सामग्री और ये सब वितरित की जाती है और पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। मेरा नाम बसंती मसारी, मैं ग्राम जामकोटा की आशा कार्यकर्ता हूँ। मैं टीकाकरण कार्य करवाती हूँ और जननी सुरक्षा योजना के केस ले जाती हूँ गांव में और भी जानकारियाँ देती हूँ। TP के पेशेंट सिलाइट बनाती हूँ, टीकाकरण में सहयोग करती हूँ NM दीदी के साथ में और अस्पताल में पर लाके परसों करवाती हूँ, संस्थागत परसों ठीक टाइम से जननी सुरक्षा योजना का लाभ दिलाती हूँ और भी गांव में
सारे कार्यों में सहयोग देती है एनएमडी जी के साथ। हमने 2 बार मेचिन पाउडर डाल चुके हैं, 1 महीने पहले और 1 महीने बाद। नाम आशा चौधरी है, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ और शायिका का नाम तुलसाबाई काजले है। हम लोग 9 बजे बच्चों को बुलाकर लाते हैं, उन्हें स्थाई एक मतलब लाइन में खड़ा करके पहले प्रार्थना करवाते हैं, उसके बाद लाइन से बिठाकर उन्हें जो मतलब खेल कूद या कहानी वगैरह जो भी हो बताते हैं। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा देते हैं और मतलब 10 बजे हम उनको नाश्ता देते हैं जो समूह द्वारा दिया जाता है। उसके बाद फिर और उन्हें एक बार छुट्टी करके फिर वापस बुलाकर बिठाकर मतलब उन्हें खाना दिया जाता है समूह द्वारा 12-12:30 बजे। फिर 1 बजे उन्हें हम छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद जो हमारा घर बैठ का काम है वो करते हैं 1 से 2 के बीच में। और फिर 2 बजे वापस आकर गांव से मतलब कि जो हमारे अधूरे रजिस्टर है उन्हें हम पूरा करते हैं रजिस्टरों का काम। और हर मंगलवार को मतलब हम आकर उन्हें कुछ समझाते हैं और खीर पूरी वितरण करते हैं बच्चों को, उस दिन खीर पूरी वितरण किया जाता है। और मतलब कि जो लाडली लक्ष्मी के मतलब हितग्राही है उनको बुलाकर एनएससी भी वितरित की जाती है। मेरा नाम श्रीमती माया बिल्लोर एनएम है, मैं जामकोटा में एनएम के पद पर पदस्थ हूँ। और मेरे कार्य में राष्ट्रीय कार्य कार्यक्रम आते हैं, इसके अंतर्गत माता एवं शिशु का टीकाकरण, उनकी देखभाल, मलेरिया रोकथाम, कुष्ठ निवारण और जन्य सुरक्षा, प्रसव और अन्य कई कार्य राष्ट्रीय कार्यक्रम में जो मैं करती हूँ। मैं सोलंकी हूँ, ग्राम जामकोटा की स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ। समूह में 10 सदस्य हमारे अध्यक्ष समूह के नाम मंजू स्वयं सहायता समूह है। समय से खाना बनाते हैं और बच्चे को खिलाते हैं। हम ललिता भाई हैं, मैं जामकोटा में रहती हूँ। हमें सरकार द्वारा लक्ष्मी योजना का लाभ मिला है। मेरी लड़की का नाम अंशिका है और ये 5 साल की है। मेरा नाम महन है, मैं ग्राम जामकोटा में रहता हूँ। पहले हमारा घर कच्चा था, पंचायत द्वारा कुटीर मिली है और हम अच्छे घर में रहते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम लालू बघेल है, मैं ग्राम जामकोटा में रहता हूँ। पंचायत द्वारा हमको शौचालय मिला हुआ है, हम इसका डेली उपयोग करते हैं। नाम कला भाई है, हम जामकोटा में रहती है, ग्राम पंचायत से रेगरा पंचायत। मेरा नाम तेजा भाई है, मैं जामकोटा में रहती हूँ। मेरे पंचायत द्वारा विधवा भाई को 200 रुपये पंचायत में मिलता है। मेरा नाम आशा है, मैं ग्राम जामकोटा में रहती हूँ, मुझे पंचायत द्वारा पेंशन मिलती है।